नाजरीन, एशिया, यूरोप, अमेरिका में नुसरत फतेह अली खान को मौसीकी का बेताज बादशाह और शहंशाह कवाली कहा जाता है। उनकी जिंदगी की चंद किरणें आप लोगों की खिदमत में पेश किए देते हैं। यूरोप के दौरे पर जब उन्होंने अल्लाहू अल्लाहू कवाली गाई तो गोरों को समझ नहीं आती थी, मगर वो दीवानावार झूमते रहे। उन्हें फ्रांस में लोगों ने मिस्टर अल्लाहू का खिताब दिया था। जापान में उन्होंने एक म्यूजिक के मेले में परफॉर्म किया तो जापानी आवाम ने उनके सुरों और गायकी पर उन्हें सिंगिंग बधा यानी मौसीकी के देवता का खिताब दिया। नब्बे की दहाई में अमेरिका में एक लाइव शो के दौरान नुसरत की जानिब से मशहूर गीत मेरा पिया घर आया गाने का किस्सा सुनाते हुए बताते हैं कि जब खान साहब ने वो गाना शुरू किया तो स्टेज के सामने गोरों ने धमाल डालना शुरू कर दी। उनमें से एक खातून ने इतनी धमाल डाली कि उसके पैरों से खून निकलना शुरू हो गया। मियाँ असद नुसरत फतेह अली खान की मौसीकी और सुरों की समझ के मुतालिक एक वाकया सुनाते हैं कि एक बहुत बड़ी निजी महफिल में जब वो खुद भी मौजूद थे, नुसरत फतेह अली खान परफॉर्म कर रहे थे और लोग उनकी धुनों और कवालियों पर दीवानावार झूमने के साथ साथ उन पर बेलों की सूरत नोट निछावर कर रहे थे कि अचानक उन्होंने अपने सारिंदे को इशारे से कहा कि हारमोनियम के सुर ठीक नहीं है, देखो उसमें क्या मसला है। जब गौर किया गया तो उस बाजे की हवा वाली जगह पर 1000 का नोट फंसा हुआ था जो सुर को दबा रहा था। नाजरीन, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की अखलौती औलाद उनकी बेटी निदा नुसरत है जो अब कनाडा में मुकीम है। बचपन के एक वाकया के मुतालिक निदा नुसरत ने बताया कि मेरी उम्र उस वक्त तकरीबन 6 बरस थी और लंदन में एक शो के लिए मैं उनके साथ थी। घर से जल्दी निकलने के बायस अपनी चूसनी भूल गई और जब शो के लिए हाल में पहुंचे तो मैंने रोना शुरू कर दिया, जिस पर बाबा सख्त परेशान हुए। वो मुझे परेशान नहीं देख सकते थे। दूसरी तरफ शो ऑर्गेनाइजर उन्हें शो शुरू करने का कह रहे थे कि उन्हें ताखीर हो रही है, तो बाबा ने कहा जब तक मेरी बेटी चुप नहीं होगी मैं शो शुरू नहीं कर सकता। लिहाजा एक बंदे को वापस घर भेज कर मेरी चूसनी मंगवाई गई और जब मैं चुप हुई तो उन्होंने ताखीर से शो शुरू किया। नाजरीन, याद रहे नुसरत फतेह अली खान 48 साल की उम्र में 16 अगस्त 1997 को लंदन में इंतकाल कर गए और उनकी मैयत पाकिस्तान वापस लाकर फैसलाबाद में दफन कर दी गई। नाजरीन, हमारी इस कहानी के बारे में एक कमेंट जरूर कीजिएगा। हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।